सिडनी टेस्ट ड्रॉ रहा और इस ड्रॉ में भी टीम इंडिया को एक जीत मिली। भले ही जो मैच का रिजल्ट था वो हम कहें कि अंत में ड्रॉ पे खत्म हुआ, लेकिन जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने पांचवें दिन बल्लेबाजी की उससे आपने चौथे टेस्ट से ठीक पहले एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है। चौथा टेस्ट मैच शुक्रवार से ब्रिस्बेन में शुरू होना है, लेकिन इस टेस्ट से ठीक पहले इंडियन टीम को लगे हैं एक नहीं दो नहीं तीन बड़े झटके। तो जडेजा तो मैच के दौरान ही चोटिल हो गए थे, अगर जरूरत पड़ती तो जडेजा पांचवें दिन मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरते, लेकिन आर अश्विन और हनुमा विहारी ने इसकी नौबत नहीं आने दी। तो कल मैच खत्म होने के बाद बीसीसीआई की तरफ से एक मेल आया जिसमें क्लियर किया गया कि रविंद्र जडेजा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले चौथे टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं और आज सुबह ही रविंद्र जडेजा की ऑस्ट्रेलिया में सर्जरी भी हुई। तो देखिए, ये तो जडेजा के बारे में अपडेट हमने आपको दे दिया, ये सबको पता ही था कि रविंद्र जडेजा मैच में चोटिल हो गए थे, लेकिन जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो आज सुबह लगा है। टीम इंडिया के सबसे मजबूत सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी चौथे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। जी बिल्कुल, ये एक ब्रेकिंग न्यूज है कि जसप्रीत बुमराह जो सीरीज का आखिरी और चौथा टेस्ट मैच है वो उसमें शिरकत नहीं करेंगे। जसप्रीत बुमराह के एब्डोमेन में चोट है जिसकी वजह से फिलहाल अभी उन्हें कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। और अब आप समझ सकते हैं कि पहले ही इंडियन टीम को तेज गेंदबाजी की अगर हम बात करें, ईशान शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, उमेश यादव चोटिल होकर कुछ खिलाड़ी भारत जा चुके हैं और कुछ खिलाड़ी पहले से ही भारत में हैं। तो अब आप चौथे टेस्ट में जसप्रीत बुमराह की जगह किसको खिलाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल उठ गया है। आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है शार्दुल ठाकुर जिनके पास टेस्ट क्रिकेट का अनुभव नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ है टी नटराजन जिनके पास भी टेस्ट क्रिकेट में खेलने का कोई अनुभव नहीं है। तो अब आपके पास कौन बच रहे हैं, चार गेंदबाजों में से आपको तीन पिक करने हैं। मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी को आप पहले ही मौका दे चुके हैं और अब आपको इन दो गेंदबाजों में से नटराजन और शार्दुल ठाकुर में से किसी एक को चुनना होगा जो इंडियन टीम मैनेजमेंट के लिए, कप्तान अजिंक्य रहाणे के लिए किसी बड़े हेडेक से कम नहीं है, क्योंकि आपके जो मेन खिलाड़ी हैं, जो मेन गेंदबाज हैं, अब वो इस टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं रहने वाले। तो ये बात हुई जसप्रीत बुमराह की। अब आपको मैं बताऊं, जसप्रीत बुमराह के बाद मयंक अग्रवाल के ऊपर भी एक अपडेट आया है कि मयंक अग्रवाल की भी उंगली में चोट लग गई है। जी बिल्कुल, भले ही मयंक अग्रवाल सिडनी टेस्ट के प्लेइंग 11 का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से हनुमा विहारी भी अब इंजर्ड हो चुके हैं, आर अश्विन भी इंजर्ड है, ये भी खिलाड़ी दोनों शायद ही अगले मैच का हिस्सा हो, तो शायद मयंक अग्रवाल की इंडियन टीम में ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए जगह बन सकती थी। लेकिन मयंक अग्रवाल के ऊपर भी अभी अपडेट क्लियर नहीं आया है, उनकी फिंगर का स्कैन हुआ है और अब ये कल पता लगेगा कि क्या मयंक अग्रवाल इस टेस्ट मैच में खेल पाएंगे कि नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि वो कौन से 11 खिलाड़ी हैं जो ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए पूरी तरीके से फिट हैं। सबसे पहले बात करना चाहेंगे रोहित शर्मा, नंबर दो पे शुभमन गिल, नंबर तीन पे चेतेश्वर पुजारा, नंबर चार पर अजिंक्य रहाणे, नंबर पांच पर ऋषभ पंत। भले ऋषभ पंत की चोट लगी थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की और अजिंक्य रहाणे ने बताया कि ऋषभ पंत पूरी तरीके से फिट हैं, तो ये पांच खिलाड़ी होंगे। उसके बाद आते हैं आपके रिद्धिमान साहब फिट हैं, पृथ्वी शॉ फिट हैं, कुलदीप यादव फिट हैं, जो भले पिछले 3 महीने से ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर तो हैं लेकिन सिर्फ उन्होंने एक ओडीआई मैच खेला है। तो ये बात होगी कुलदीप यादव की। कुलदीप यादव के बाद अगर हम बात करें तो चार तेज गेंदबाज हैं जो आपके पास इस समय पूरी तरीके से फिट है, जिसमें टी नटराजन, शार्दुल ठाकुर एक भी मैच नहीं खेले हैं, तो ये नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज भी फिट हैं। तो जो टीम इंडिया के चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट है ये पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और अब चौथे टेस्ट मैच के लिए भारत का प्लेइंग 11 क्या होगा, क्या भारत को वो 11 खिलाड़ी मिलेंगे भी कि नहीं, ये हमें कल पता लगेगा, क्योंकि कल टीम इंडिया का ब्रिस्बेन में पहला प्रैक्टिस सेशन होने वाला है।